प्रकाश उत्सव दीपावली का पर्व का अवसर है और हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे दीपक जो कि मंदिरों से लाए गए हैं, जो पहले पूजा विधि में प्रयोग में आ चुके हैं, उनको मंदिरों से मंगाकर आगरा नगर निगम परिसर में एक संस्था के द्वारा बहुत ही सुंदर रंगों से सजाया जा रहा है, जो अब दीपावली के पर्व पर आपके घरों में नजर आएंगे। ये वो दीपक हैं जो मंदिरों में रहे हैं, मंदिरों में दीपक से आरती की गई है, पूजा में उपयोग में लाए गए हैं और ये बेस्ट थे जिनको एक संस्था द्वारा इकट्ठा किया गया, नगर निगम परिसर में संस्था की महिलाओं के द्वारा इसको सुंदर रंगों से सजाया जा रहा है और दिवाली के पर्व के लिए तैयार किया जा रहा है। ये तमाम आप देख रहे हैं, ये सारे दीपक मंदिर से मंगाए गए हैं, मंदिर से लाए गए हैं, अच्छे रंगों से सुंदर रंगों से। दीपक को आपको दिखाऊं तो दीपक के ऊपर सुंदर रंग के साथ में स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है जो कि हिंदू धर्म विशेष शुभ माना जाता है। तो ये वो दीपक हैं जिनको वेस्टेज के रूप में माना जाता था, लेकिन अब इनको इतने सुंदर रूप से सजा दिया गया है कि ये बेहद ही उपयोगी नजर आ रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने इस काम को किया है। हम एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जो है, ये जो दीपक है किस तरह से तैयार किए गए और क्या सोचा आपने कि मंदिर में जो उपयोग में दीपक आ चुके हैं उनको दोबारा से तैयार किया जाए? अच्छा, ये मंदिरों से लाए हुए दीपक हैं, इनको पेंट करके हम लोगों ने सुंदर बनाया गया है और इनका हम उपयोग करेंगे। देखो किसके लिए, दीपावली के लिए बनाए गए हैं, गरीब बच्चों को बांटेंगे, कुछ कुछ जैसे नहीं है उनके पास पैसे खरीदने के लिए, उन्हें हम गिफ्ट करेंगे। यानी कि जो लोग दीपक नहीं खरीद सकते मिट्टी के, उनको आप ये जो रंग से सजाएंगे सुंदर, जो दीपक उनको उपहार के तौर पर देंगे। अच्छा भाव है आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा। किस तरह से तैयार किया गया, कितनी मेहनत हुई और क्या भाव रहा? अच्छा बताइए, कितना अच्छा काम किया आपने? काम किया है हमने, हमने दीपक मंगाए मंदिरों से पुराने, उससे काम चल रहा है, तैयार करे हमने, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश की है और ये जितना होगा हम सबके लिए मदद करेंगे, जो पैसे से नहीं खरीद पाते उनके लिए हम ये दान करेंगे। एक सवाल ये आता है कि ये विचार आपके मन में आया कैसे कि जो मंदिर के दीपक है जो उपयोग में पहले आ चुके हैं फिर से उनसे जाए? सेंटर है इसी के लिए बना हुआ है, हेल्प करने के लिए, काम आगे बढ़ाने के लिए। हम कंधे को अच्छा बनाने की सोच रहे हैं, जैसे हमने धूप बत्ती बनाई है, धूप बत्ती भी ऐसे या तो दान होंगी या फिर सेल होंगी और ये दीपक भी ऐसे ही होंगे। धूप बत्ती हमने फूलों से बनाई है, जो मंदिरों से पुराने फूल आते हैं सूखे हुए, उन्हें सुखाकर हमने धूप बत्ती बनाई है उनकी। यानी कि जो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं उनसे धूप बत्ती बनाई जा रही है? जी जी, उन्हीं को सुखाकर उनसे धूप बत्ती बनी है, ये सुगंधित धूप बत्ती है। हाँ, देखिए केवल दीपक ही नहीं, मंदिरों में जो फूल मालाएं उपयोग में लाई जाती है, जो भगवान पर चढ़ाई जाते हैं फूल, उनसे ये धूप बत्ती तैयार की गई है जो कि सुगंधित है और है तो ये शुद्ध भी है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी भी है। ये धूप बत्ती तैयार की गई है, ये फूलों से तैयार की गई है, वो फूल हैं जो मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं के ऊपर चढ़ाए जाते हैं और बाद में उनको हटा दिया जाता है, वो सारी फूल मालाएं इकट्ठा कर उनको एकत्रित कर और खुशबू के साथ इन धूप बत्तियों को तैयार किया गया, साथ ही दीपावली पर्व के लिए ये सुंदर दीपक भी सजाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।